सजदा गए थे डॉक्टर के पास? गया था। कहाँ?
अपने डॉक्टर शुक्ला के पास। क्या बोले डॉक्टर शुक्ला? उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, साधारण मलेरिया है, ठीक हो जाएगा। तुमने बताया तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती, तुम कुछ खा नहीं पा रहे हो राजेश। मैंने बताया उनको, सारी बातें उनको बता दी। उन्होंने कहा दवाइयाँ ले लो, आराम कर लो, ठीक हो जाएगा। तुमने बताया पेट में कितनी दर्द होती है। मैंने सारी बातें उनको बता दी है, चिंता मत करो तुम। अच्छा, साधारण सा मलेरिया है। पता नहीं कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो ये बोलता है कि मलेरिया में पेट में दर्द होता है। पता नहीं कहाँ जाके पहुंचा। राजेश, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो बोलता है मलेरिया में इतनी पेट में दर्द होती है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना राजेश? तुम मुझसे क्या बोलना चाहती हो? राजेश, मैं सच सुनना चाहती हूँ, डॉक्टर ने क्या बोला? अगर डॉक्टर कहता कि मैं मर रहा हूँ तो तुम विश्वास कर लेती? राजेश, क्या बातें कर रहे हो, तुम कैसी बातें करने लग जाते हो? कहा ना दवाइयाँ खाओ, ठीक हो जाओगे, आराम करो, तुम चिंता मत करो। तुम कौन से डॉक्टर के पास? राजेश, तुम रहने दो, तुम चिंता मत करो। राजेश, मुझे कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा यदि मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो मैं बहुत जल्द मर सकता हूं। उसे मुझे सलाह दी है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं ताकि मैं काफी आराम कर सकूं, जिससे मैं थोड़ी लंबी और जी सकूं। क्या मैं सच जल्दी मर जाऊंगा? कविता का क्या होगा और मेरी मासूम बेटी? मेरे परिवार के लिए मैंने अच्छी योजनाएं हैं, पर ये कैंसर मेरे जीवन को खत्म कर रहा है। साथ ही मेरी पत्नी और मेरी बेटी के लिए बुने मेरे सारे सपने चूर चूर हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा हमारा, क्या होगा? जब से तुम उस डॉक्टर के यहाँ से आए हो ना, सब कुछ गड़बड़ है। क्या है बताओ मुझे सच। दरअसल क्या, दरअसल क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा इसमें? कविता, मैं कैसे बताऊं? इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? मुझे मुझे कैंसर हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कहाँ लिखा है सब? किसकी रिपोर्ट है? कष्ट, ये लैब की रिपोर्ट है। अरे
गलत भी तो हो सकती है राजेश, कहाँ की रिपोर्ट है, क्या लिखा है इसमें, सब तुम गलत बता रहे हो, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता राजेश। कविता मगर डॉक्टर ने यही कहा है। राजेश ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कैंसर नहीं हो सकता राजेश। कविता मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। हम क्या करेंगे राजेश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो जाओ। पर डॉक्टर ने कहा मुझे जल्दी इलाज करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्या करेंगे राजेश, मुझे नहीं पता कविता। हेलो। हाँ भाई, तुम कब आए? मैं बस अभी आया यार, तेरे को देख रहा था। कहाँ खोया हुआ? मैं तेरे को देख रहा था उसका। क्या बात है, सब ठीक ठाक? ऐसी कोई परेशानी नहीं, थक गया हूँ और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। 8 साल हो गए तेरे साथ काम करते। रग रग से भागे, क्या बात है, परेशान नजर आ रहा है। देख, जब भी मैंने तेरे को यीशु के बारे में बताने की कोशिश करी तूने हमेशा मेरे को टाल दिया। बता सकता है यार, दोस्त हूं तेरा। बता, बस बाकी सब ठीक है, ऐसे कोई परेशानी नहीं। सिर्फ मैं इस समय किसी से बात नहीं करना चाहता। राजेश, मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। okay. चल ठीक है राजेश, मुझे बैंक जाना था, है ना, कहीं ऐसा ना बैंक बंद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। हाँ ठीक है। हेलो पीटर। या हाय पीटर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। अरे पीटर, हाँ हाँ, शादी तो हो गई है यार। हाँ ऑफिस में ही हूँ सर। नहीं नहीं कुछ खास नहीं सर, आपने मुझे बुलाया। एक मिनट पीटर, एक मिनट राजेश। पीटर यार, तेरे से मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? चल अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके। हाँ राजेश। सर आपने मुझे बुलाया। राजेश
आज तुम्हें डॉक्टर की रिपोर्ट के साथ आना था। तुम्हारे गिरते स्वास्थ्य की वजह से कंपनी ने तुम्हें सलाह दी थी कि तुम्हें डॉक्टरी जांच की जरूरत है, और आज तुम्हें अपने अस्पताल की रिपोर्ट को लेके आना था। क्या वो लेके आए तुम? सर, डॉक्टर ने कहा कि साधारण बुखार है और मैं आराम करूं और दवाएं लेना बस ठीक हो जाऊंगा। राजेश, ये तुम्हारे लिए। सर क्या है ये? आप देखो। राजेश, सर तुम अपने स्वास्थ्य लेकर इस कंपनी से सच नहीं बोल सकते। सर, हमें तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट मिल गई है और उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें कॉलन कैंसर है, और आई एम सॉरी टू से कि तुम अब इस कंपनी में भी ठीक से काम नहीं कर सकते। नहीं, नहीं सर, सर हम तुम्हें सलाह देंगे, तुम घर पे बैठ के अपना इलाज कराओ। कंपनी तुम्हें 1 महीने की सैलरी तोहफे में देती है, तुम अपना चेक अकाउंटेंट से लेके जा सकते हो। I'm sorry. लेकिन सर, हाँ सर, सर हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ कल 12 बजे साकेत में। ठीक है सर, ओके। हाँ बता दीजिए क्या क्या लेके आना है। लैपटॉप, हाँ मैं वो भी ले आऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ।
एंजल। राजेश, क्या हुआ, जल्दी घर आ गए? कविता, तबीयत ठीक है? क्या है इसमें, क्या है? पढ़कर देख लो। क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चेक तो लो, बात ही कुछ ऐसी है। टर्मिनेशन लेटर, इसका मतलब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? उन्होंने कहा तुम नौकरी नहीं कर सकते, घर जाओ और आराम करो। राजेश, पर राजेश, हमारे साथ क्या हो रहा है? एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक परेशानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो मानो कि गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं। सच में अब हम क्या करेंगे राजेश, तुम्हारा इलाज कैसे करवाएंगे? ऑफिस में बताया किसने? वो डॉक्टर ने सीधे मैनेजर के पास रिपोर्ट भेज दिया। मैं तो कोशिश कर रहा था कि किसी को पता ना चले। राजेश, क्या हो रहा है, पहले बीमारी अब नौकरी भी गई। डॉक्टर, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हम पे और मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या होगा, क्या करेंगे हम? भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, एक के बाद एक परेशानी, हमने क्या किया था? हम कैसे जिएंगे आगे, क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। हे कुल देवता, मेरे पिता आपके दरबार के महायाचक हैं और मैं भी आपकी सेवा करता हूं। हर 6 महीने में 3 दिन छुट्टी लेकर अनुष्ठान पूरी करने घर जाता हूं। मेरे दादा, परदादा सभी लोग आपकी सेवा करते आए, फिर ये सब हमारे साथ कैसे हो रहा है? क्यों आपने अनुमति दिया? आप ऐसा कैसा कर सकते हैं हमारे साथ, कैसा हमारे साथ कैसा कर सकते हैं ऐसे आप? राजेश, तुम्हारे दोस्त आए, चलो संभालो, संभालो अपने आप को, चलो उनसे मिलो। कौन आया? प्रताप, उसे बोलो बैठ जाए। प्रताप और राजेश, कैसा है? बैंक के बाद ऑफिस गया, तो सारा हाल पता था, तो तुझे ढूंढा, सोचा चलो मिलाता हूं। प्रताप, जिस चीज का मुझे डर था आज डॉक्टर ने वो बात बता दी। क्या? डॉक्टर ने कहा मुझे कोलन कैंसर है। क्या, मैं तेरे पास आया भी था फिर भी तूने मुझे बताया नहीं? मैं किसी को बताना नहीं चाहता था प्रताप, मुझे मैनेजर ने बुलाया और क्या है, चिट्ठी पकड़ा दी। मैं उनके ऑफिस में गया, डॉक्टर ने पहले से ही उनको रिपोर्ट पहुंचा दिया। प्रताप, मैं बीमार हूं और मैं मर भी रहा हूं, और मेरी नौकरी भी छिन गई है। यार, क्यों?
राजेश, राजेश, अब मैं क्या करूंगा यार? संभाल अपने आप को, भाभी का क्या होगा अगर तू ऐसे करेगा? भाभी भाभी है और पुष्पा है, है? संभाल भाई, कंट्रोल कर, समझ कर मेरे भाई। राजेश, राजेश, भाभी का सोच यार, पुष्पा का क्या होगा? कुछ सोचा है क्या होगा उनका? उनका क्या होगा? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मैं अब नौकरी नहीं कर सकता, मेरे कविता का क्या होगा? पुष्पा को कौन देखेगा? मैं अपने पिता के घर चला जाऊंगा। चले जाना, हो सकता है उनके पास में कोई इलाज हो इसका। नहीं प्रताप, मुझे मालूम है उनके पास कोई इलाज नहीं है, मगर मुझे अपने कुल देवताओं से कुछ सवाल पूछने हैं। राजेश, मैं एक बात तेरे को बोलूं? क्या? मैं एक ईश्वर को जानता हूं। सुनो, एक ईश्वर है जिसके बारे में, जिसके चमत्कारों के बारे में, जिसके किए हुए बहुत से कारण के बारे में मैंने पढ़ा और सुना है। जानते हो, उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। 5,000 लेकिन करेगा तो वो खाना खिला दे तो बड़े जादूगर होंगे वो। और सुन, मैंने ऐसा पढ़ा कि उन्होंने एक जन के अंधे को आंखें दे दी। और मैंने पढ़ा कि 38 साल से एक आदमी पानी के कुंड के पास में बैठा हुआ था, अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा था। वो आए और उन्होंने उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। एक औरत के बारे में पढ़ा, 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था, और उसने ये विश्वास किया कि अगर मैं उसके आंचल को जाकर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और क्या तुम यकीन करोगे, उसने केवल उसके आंचल को जाके छुआ और वो चंगी हो गई। वो चंगी हो गई? हाँ, ये तो कोई बड़ा चंगाई दाता होगा अपने जमाने का। एक समय था जब वो नाव में सफर कर रहे थे, अपने चेलों के साथ में जा रहे थे, नाव में बैठे हुए थे भाई साहब, और एकदम भयंकर तूफान आ गया, नाव उनकी पूरी हिलने लगी, यूं हिल रही थी पूरी, और उन्होंने आंधी तूफान को ऐसे हाथ बढ़ाया और बोले रुक जा, और वो तूफान थम गया। आंधी तूफान बंद हो गया? तूफान रुक गया मेरे भाई, उनके बोलने से। बोलने से तूफान रुक गया। क्या बात कर रहा है? मैं सही बता रहा हूँ राजेश, ऐसा भी कोई है? ऐसा है। कौन है वो, क्या नाम है उनका यार? कौन से हमारे कौन से देवता के नाम की बात कर रहा है? वो नहीं है मगर जिन्हें तू जानता है। फिर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो पुराने काल से विद्यमान है। क्या वो सबसे प्राचीन है? हाँ, वो सर्वोपरि है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सबसे पुराना परमेश्वर। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम यीशु मसीह है। प्रताप, मुझे मालूम था। क्या मालूम था यार? कि तू मेरी इस दर्द भरी परिस्थिति के अंदर अपने धर्म को लेके आएगा। क्या मुझे मालूम था भाई, क्या हो? तू मेरे इस परेशानी के अंदर अपने धर्म की बात करेगा, क्या और उसका फायदा उठाएगा? क्या बात? मुझे मालूम था, मुझे शुरू से ही पता लग गया था। मैं तेरी बीमारी में मैं तेरे मतलब अपने धर्म को लेकर आऊंगा। राजेश, गुस्सा मत हो यार भाई, मेरा भाई, गुस्सा मत हो, चल बैठ के बात कर, नाराज मत हो मेरे भाई। अब बैठ के बात कर, मैं तेरे को सिर्फ जीवन का मार्ग बताना चाहता हूं। मैं तेरे को सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे लोग उसके द्वारा जीवन को प्राप्त किए। मैं तो केवल भाई ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, कोई है जो तुम्हें चंगाई प्रदान कर सकता है, कोई है जिसका आपके पूरे जीवन पर नियंत्रण है। प्रताप, मैं अपनी परंपराओं को छोड़कर और कुछ नहीं करूंगा।
सिला क्या मिला है? राजेश, क्या तुम्हारी जिंदगी बिखरी भी नहीं है? क्या तुम परेशान नहीं हो? क्या ये सारी चीजें मिलकर तुम्हें मृत्यु के बंधन से बाहर निकाल लेंगे? लेकिन बीते सालों में इन सारी चीजों से तुम्हें फर्क क्या पड़ा है? क्या फायदा हुआ है? आर्थिक घटी, पैसे की कमी, परेशानियां, निराशाएं, और अब तुम्हारा हाल यह हो गया है कि बीमारी के कारण तुम मृत्यु के कगार पर खड़े हुए हो। प्रताप, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं और मैं अगला पुरोहित बनूंगा। यह हमारी परिवार की रीति है। तुम्हारे पिताजी जो महापुरोहित हैं, तुम्हारे घर के, तुम्हारे गांव के जो महापुरोहित हैं, मुझे ये बताओ क्या वो खुश हैं? प्रताप, मेरे पिता महापुरोहित अवस्थी एक खुश व्यक्ति हैं। सुखी आदमी बता रहा है। भाई साहब, आपने बताया था कि आपके पिता की दूसरी पत्नी जब उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया था, वो कैसे बाजार में घूम रही थी, कितने परेशान थे तुम्हारे पिता, उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे, उनका मन उदास हुआ चला जाता, कितने व्याकुल हुआ करते थे। तुमने मुझे बताया कि उन्हें डरावने सपने आते, तुम्हारे पिता को डरावने सपने आ रहे, और तुमने मुझे बताया कि उसकी इतनी हद पार हो गई कि वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए। तुम कहते हो तुम्हारे पिता ठीक है, संतुष्ट है, क्या वो वास्तव में संतुष्ट है? राजेश, तुम इससे मिला क्या है? तुम जानते हो तुम्हारी बीमारी कितनी गंभीर है? तुम्हारी बेटी सुन सकती है, बोल नहीं सकती, और तुम्हारा पूरा जीवन जो है वो निराशाओं से भरा हुआ नजर आता है, और तुम कहते हो तुम खुश हो? तुम खुश हो? क्या तुम वास्तव में खुश हो? राजेश, रो मत यार। इसी घड़ी इसको छोड़कर, इस शरीर को छोड़कर दूर हो जा। निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। हमारे लिए कूड़े खाए हैं पिता परमेश्वर, तेरे लहू को डालता हूँ, तेरे लहू को डालता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे लहू में सामर्थ्य है यीशु के नाम से। क्या आपको लगता है कि राजेश ने खुद अपनी बेटी के ऊपर हुए आश्चर्य कर्म को देखा और उसके बाद भी उसका दिल कठोर रहेगा? सुनिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जिस तरीके से प्रभु ने कार्य किया, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह केवल यह दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर धन्य है। जानते हो, मैंने सिर्फ एक बार उसके ऊपर में हाथ लगाकर और मिर्गी के दौरे को कहा कि चला जाए यीशु के नाम से, मिर्गी का दौरा तुरंत यीशु के नाम से चला गया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसके दिल को बदले। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, प्रभु जी तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तूने जो आश्चर्य कर्म किया है राजेश के घर में, उसे ये साबित होने दे कि तू ही सच्चा खुदा है। उसके कठोर दिल को तू बदल दे, होने दे कि वो तेरे नाम को जाने। प्रभु यीशु मसीह तेरे महिमा, यीशु के नाम में, आमीन। सुनिए, कोई आया है।
हमें जाके दरवाजा खोलती हूँ। अरे राजेश आप? मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल आइए आइए। प्रताप कहाँ है? प्रताप अंदर है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। बैठिए बैठिए। तो मैं आपके लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं। प्रताप कहाँ है? मैं प्रताप को बुलाती हूँ। हाँ प्रताप को बुलाओ। प्रताप। राजेश कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ प्रताप। प्रताप तुमने ये सब किया कैसे, मुझे बताओ। अच्छा बताओ पुष्पा कैसी है? ठीक है। पुष्पा तो अभी ठीक है। मेरी बेटी पुष्पा अनेक सालों से ये शाप शहरी है। वो केवल 3 साल की थी जब पहली बार उसको मुर्गी का दौरा पड़ा। प्रताप मैं क्या बताऊं, कभी उस दौरे के कारण रसोई में आग के पास गिर जाती है, कभी बाथरूम में पानी के पास, कभी तो सड़क में, रोड में लोग चल रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है, और हमारा मन हमेशा डर से रहता है पुष्पा के कारण। मगर तुम्हारे सामने भी, और जब दौरा पड़ा तुमने किसी को तो डांटा, और जैसे तुमने डांटा वो बिल्कुल ठीक हो गई। तुमने क्या किया प्रताप? राजेश भाई मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं। मुझे मुझे कहने दो। बताओ। एक मिनट। मैं आज समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए वचनों को बताना चाहता हूँ। जब भी मैं तुम्हें प्रभु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तुमने हमेशा मुझे रोक दिया। ये धर्मशास्त्र है जिसे हम बाइबल कहते हैं। अच्छा ये बाइबल है? ये बाइबल है। अच्छा इसी से मैं बताना चाहता था तुमको बहुत बात। अच्छा मैं तुम्हारे सामने एक हादसा पढ़ता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था पुष्पा के लिए और ये बात मुझे दिखाई दी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उसके लिए लिखी गई। अच्छा हाँ सुनो उसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे गुरु मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। अरे यही तो हो रहा है, इसीलिए पढ़कर बता रहा हूँ राजेश। सुनो, मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो वह उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और उसे भूमि पर गिरा दिया और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ये तो मेरी बेटी है, तो मेरी उसके साथ यही तो हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने उस अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तुमने भी तो ऐसे ही कहा था और तुरंत मेरी बेटी ठीक हो गई। इसीलिए आगे सुनो, तब वह चिल्लाकर और उसे मरोड़कर निकल आए। बस प्रताप ये ही तो मेरे साथ हो रहा है। मेरी बेटी इसी श्राप को सहती आई है इतने सालों से और अब तुमने उसको डांटा वो ठीक हो गई। मैं तुम्हें एक और वचन, जो प्रभु यीशु मसीह का एक और वचन है, वो मैं तुम्हें पढ़कर बताना चाहता हूँ मेरे भाई।
यहां लिखा हुआ है कि हे परिश्रम करने वालों, देखो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आज हमें विश्राम देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहते हैं। प्रताप, मुझे और बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना होगा। कलाम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आप मुंह से अंगीकार करोगे और मन से अगर प्रभु को बुलाओगे, प्रभु आपके अंदर में आएंगे और आपको परमेश्वर चंगाई देंगे, आपको परमेश्वर उद्धार देंगे। प्रताप, मैं तो अंधकार में चल रहा था, मैं वो सब कुछ रीति रिवाज क्रियाक्रम लगातार करता आया हूं अब तक, मगर मेरे जीवन में मैं दबाव ही दबाव महसूस कर रहा हूं, परिवार में कोई शांति नहीं है। प्रताप, सोनिया, मुझे यीशु चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन दुआ करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, वो मेरे पीछे पीछे आप दुआ, ठीक है? ठीक है प्रताप। और हमारा ये विश्वास है कि जब आप यीशु को अपने दिल में बुलाएंगे, जब आप परमेश्वर को अपने दिल में बुलाएंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, यीशु आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चंगा कर देंगे। उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, मिर्गी का दौरा हो, चाहे जो भी लोगों ने आपको बताई है, वो सब ठीक हो जाएगा, यीशु के नाम से सही हो जाएगा। मेरे पीछे पीछे दोहराना, बोलो भाई, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मुझे अपना पुत्र बना लीजिए। आज मैंने तेरे चमत्कारों को देखा है, आज मैंने तेरे चमत्कारों को देखा है, वचन से तेरे बारे में जाना है, और इस वचन से तेरे बारे में जाना है, मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मुझे अपनी बाहों में आने दीजिए, मुझे अपने बाहों में आने दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, और आप मेरे पिता हैं, और आप मेरे पिता हैं, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। भाई राजेश, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। क्या, क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। वचन बताता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, वो हर एक व्यक्ति चंगा हो सकता है। अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। बिल्कुल ठीक हो, मुझे विश्वास है ना, क्यों नहीं, मुझे विश्वास है, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करो, सुनिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रताप, मेरे लिए प्रार्थना करो, आओ सुनिए, हम उनके लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, स्वर्ग को बनाने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपके चरणों में तेरे दास, तेरे बच्चे को खुदावंदा मैं तेरे पास लेकर आता हूँ, और राजेश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसको प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने के द्वारा ये चंगा हुआ है, यीशु के नाम से। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने उसकी बेटी की मिर्गी को हटा दिया, ओ मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, ओ कैंसर की आत्मा यीशु के नाम से इसके अंदर से दूर हो जा यीशु के नाम से। प्रभु आप महान हैं, आप जीवंत हैं पिता परमेश्वर, ओ इस शरीर पर कैंसर का कोई अधिकार नहीं है, निकल जा यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। राजेश, प्रताप, ठीक है रे? प्रताप, मेरा दर्द चला गया। राजेश ठीक है? मेरा दर्द नहीं है प्रताप। हालेलुया, प्रताप, ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार हो गया प्रताप। हालेलुया प्रताप, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर से, मेरे पेट में से कुछ बाहर निकल गया। उन्होंने आपको चंगा किया भाई। हालेलुया, मैंने एक आदमी को देखा सफेद वस्त्र में,
बहुत प्रकाश में है, वो मेरे सामने खड़ा था। भाई राजेश, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता था, सच में मुझे ऐसा लगता था कि यीशु आपको छू रहे हैं। और भाई मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको आशीषित किया मेरे भाई। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं जा रहा हूँ, मैं सविता को बताऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है मिलते हैं, भैया प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरा फोन लेकर आओ। हेलो राजेश, मेरे ईश्वरों के राजकुमार, तुम कैसे हो? प्रणाम पिताजी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा है, ईश्वरों की दया हम पर हुई है तो हमें क्या हो सकता है। तुम बताओ तुम कैसे हो? हमें तुम्हारा इंतजार है कि तुम बहुत जल्द घर आओगे और इस पूजा के अनुष्ठान में सारी चीजों को संभाल लोगे। बहुत जल्द से आओ क्योंकि तुम्हें 3 दिन पहले घर के अंदर होना है, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बचे हैं अनुष्ठान की पूजा के लिए और हम चाहते हैं कि तुम आओ और हमारे साथ इस पूजा को आरंभ करो। पिताजी, मैं नियमित समय पर घर पहुंच जाऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। बिल्कुल ठीक है पिताजी, मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम। क्या कह रहे हो? ये कौन सा नया मार्ग है, कौन सा नया विश्वास है जो तुम्हें अनुष्ठान करने से रोक रहा है?
पिताजी, यीशु मसीह के सत्य का प्रकाश अब मुझे किसी भी मूर्त के सामने झुकने की अनुमति नहीं देगी। अब मैं अनुष्ठान नहीं कर पाऊंगा। राजेश, तुम ये अनुष्ठान करोगे और तुमको ये करना होगा जैसे तुम हमेशा से करते आए हो। पिताजी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है और सच्ची आनंद और सच्ची खुशी, और किसी भी मनुष्य के बनाए हुए मूर्त के सामने अब मैं झुक नहीं सकता क्योंकि मुझे सत्य मिल गया है। पिताजी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गया हूँ। राजेश, तुम मेरे बेटे हो और तुमको अगला पुरोहित बनना है और तुम ये अनुष्ठान करोगे और तुमको करना पड़ेगा। पिताजी, यीशु मसीह की जय। वो आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्दों को सुनो, लुका 9 के 23वें वचन। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो स्वयं का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे अनुसरण करे। यीशु ने यह भी कहा, जो मेरा क्रूस नहीं उठाएगा वो मेरा चेला नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब? अरे, मैंने तो इस गांव में कभी भी गुरुजी को अपने क्रूस उठाते हुए नहीं देखा। गुरुजी, हमें बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, रोज उनके वचन को सुनना, उनके साथ चलना और उन्हें मानना। हमें अपने जीवन की योजनाओं को परे रखना पड़ेगा, और क्योंकि वो हमारा प्रभु है। परमेश्वर की योजना थी क्रूस, जो यीशु के लिए थी, मानव जाति के उद्धार के लिए। हमारा क्रूस वो है जो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है। तुम्हारा क्रूस वो है जो परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन में है। इसका मतलब ये कि हम प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को मार के, अपनी जो हम सोचते हैं उसको खत्म करके यीशु मसीह की इच्छाओं पे चले हम। बिल्कुल ठीक रवि, तुम सबको समझ में आया? हाँ जी गुरु जी। हाँ जी। तो कौन हमारे बीच में अभी आके गवाही देंगे जिसके जीवन में यीशु ने क्या क्या किया? ज्योति, आप? सबको जय मसीह की। बस एक गवाही है, जब से मैंने गुरुजी के द्वारा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके अपनाया है, तब से मुझे एक ऐसी शांति मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। और पहले मुझे अपने बच्चे के लिए डर लगता था, खुद के लिए बुरे बुरे सपने आते थे, लेकिन अब जब भी बुरे चीज सपने आते हैं मैं यीशु से प्रार्थना करती हूँ और वो मेरे सारे डर को दूर कर देता है। हालेलुया। और कौन हमारे बीच में आके गवाही देगा? बीना, आइए। मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि इस यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी और वो यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रीति से ठीक कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, सुनो सुनो, मुख्य पुरोहित आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। शांत हो जाइए, कृपया अपने जगह में बैठ जाइए। शांत होकर अपनी जगह में बैठ जाइए, मैं उनसे जाके बात करके आता हूँ। भाइयों, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, सब ठीक है, सब ठीक है।
तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ छिपा के रखा है तुमने राजेश को? मुझे यह पक्की खबर है कि वो तुम्हारे समूह के साथ मिल गया है और उसको तुमने छुपा के रखा है। क्या हुआ बाबा जी? क्या क्या उसने बाबा जी? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और उसने इस गांव की परंपराओं की अवहेलना की है, मेरी अवहेलना की है। उसे बाहर निकालो, मुझे बताओ वो कहाँ पर है। मुखिया जी धैर्य रखिए। तुम चुप रहो सुरेश, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि तुम इन लोगों के साथ मिल गए हो। तुम तो वो हो जो इस गांव की परंपरा को हमेशा उठा के रखा करते थे और तुम इन लोगों के साथ मिल गए हो। क्या हुआ बाबा जी? तुम इन गांव वालों को बोलते हो कि अपनी पुरानी परंपराओं को, उन देवताओं को छोड़कर इस नए जमाने के भगवान की बातों को मानो। मैं तुम्हें आज ये बात बता देना चाहता हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारे विचारों के बारे में, तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन तुम लोग ये काम कर रहे हो। तुमने मेरे बेटे की सोच को, विचार को, उसकी बुद्धि को बदल दिया है। अगर तुम ये करते रहे तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा जी, उसने तो खुद ही ढूंढ लिया था शहर में मोक्ष पाने की रास्ते को। मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा जी। फिर कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है राजेश? उसको सामने लेकर आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कृपया शांत होए बाबा जी। मुखिया जी उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए, जो रास्ता वो चुनना चाहता है उसे चुनने दीजिए। तुम चुप रहो, तुम्हारा बेटा तो खुद इस झुंड के साथ जुड़ गया है। मुझे शर्म आती है, राजेश मेरा बेटा है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते मेरा बेटा हर एक उस परंपरा को पूरा करेगा जो उसको करना चाहिए। उसको ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी इस पूरी जगह को मैं बर्बाद कर दूंगा, ध्यान रखना। पिताजी आपने मुझे बुलाया। राजेश क्या तुम नियुक्त काम करने के लिए तैयार हो? अनुष्ठान की सामग्री लो और विधि की तैयारी करो। क्या यही तुम्हारे नए धर्म ने सिखाया है कि तुम अपने पिता का आज्ञा उल्लंघन करो? पिताजी प्रभु यीशु ने सिखाया है कि अपनी माता और पिता का आज्ञा मानो, और अगर मुझे चुनाव करना पड़े माता पिता और यीशु मसीह में, तो मैं यीशु मसीह को चुनूंगा क्योंकि उनके बदौलत में आज जिंदा हूं और उनके कारण, उनके खातिर मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इस अजीब धर्म ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है राजेश। तुम इसी परंपरा में पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम एक राजा रखा गया है, क्या तुम भूल गए हो? तुम हमेशा से अनुष्ठान के अंग रहे हो और यदि तुम इस अनुष्ठान के अंग नहीं रहे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। पिताजी मैं आपका बेटा हूं और हमेशा रहूंगा, भले ही आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दें। नहीं, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं और अब मैं दैविक शक्तियों को जागृत करूंगा और तुम्हारे पर मृत्यु का दंड बरसवाऊंगा। यदि तुम अनुष्ठान को पूरा नहीं करोगे तब तुम्हारे शरीर को मैं तुम्हारे गुरु के पास और तुम्हारे चेले के पास लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा उनको। और अब जाओ, जाके मूर्तियों के सामने अपने सर को झुकाओ। पिताजी मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, बस बिल्कुल नहीं। क्या क्या कहा तुमने? क्योंकि पिताजी ये मूर्तियां सच्चे ईश्वर नहीं है। क्या बोला, क्या बोल रहे हो तुम? ये पिताजी मैं सिर्फ जीवित परमेश्वर की सेवा करूंगा, यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेके जाओ इसको, वही परमेश्वर लेके जाओ, इसको पता नहीं क्या हो गया, लेके जाओ इसे। चलो चलो, हमेशा गड़बड़ करता है, चलो मूर्ख 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 हमेशा हमेशा गड़बड़ करता है। मूर्ख हमेशा फैलाता है, वो लड़ाई झगड़ा में पड़ा रहता है। मूर्ख चुप चुप चुप। पिताजी
प्रभु यीशु, आपने कहा आप मुझे किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु यीशु, इस परिस्थिति के ऊपर विजय पाने का बल आप मुझे दे रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं जयवंत हूँगा। कोई भी बुरी शक्तियाँ, कोई भी सामर्थ मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने मुझे जयवंत कर रखा है। ओह ओह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पिता को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। ओ प्रभु यीशु, दया कर, दया कर, क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु। हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है राजेश के साथ? परमेश्वर, सिर्फ तू ही बचा सकता है राजेश को अभी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं इस गांव तेरे हाथों पे सौंपता हूं परमेश्वर। मैं परमेश्वर राजेश को तेरे उपस्थिति में लाता हूं परमेश्वर। तू उसे हिम्मत दे परमेश्वर, तू उसे अपने लिए गवाही बना परमेश्वर, तू उसे खड़ा कर दे अपने लिए परमेश्वर, शक्ति दे परमेश्वर उसे। परमेश्वर, सिर्फ तू ही बचा सकता है आज जो राजेश के साथ हो रहा है, सिर्फ तू ही उसे बचा सकते परमेश्वर। धन्यवाद हो तेरा परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूँ, और मुझे बिल्कुल यकीन है परमेश्वर कि तू उसे बचाएगा और तेरे लिए गवाही बनाएगा परमेश्वर। गुरुजी, 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 धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी बताएं अब हम क्या करें गुरुजी, इस मुसीबत से कैसे निकला जाए गुरुजी, आप ही बताएं अब हम क्या करें गुरुजी। बाइबल कहती है उत्पीड़ना के बारे में, वही हो रहा है राजेश के साथ। मुझे पूरा विश्वास है हमारा परमेश्वर उसे बचा ले। मैं बाबा वसी घर जानता हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि हम राजेश को वहां से छुड़ा लें? मैं वो कमरा भी जानता हूँ जहाँ पे राजेश को बंदी गृह बनाया गया, क्या हम उसे वहां जाके छुड़ा नहीं सकते गुरुजी? ये एक अच्छा सुझाव नहीं है। मुझे लगता है हम सब मिलके जितना कर सकते हैं उससे भी अधिक हमारा परमेश्वर कर सकता है। चलो उस परमेश्वर के हाथों पे उसको सौंपते हैं, वही कर सकता है। उसके पिता यहाँ पर आए और उसको घसीटते हुए ले गए, पता नहीं वो दूसरे लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे गुरुजी। पत्रस यीशु का एक चेला था, उसे भी गिरफ्तार करके बंदी गृह में डाल दिया गया था, मगर विश्वासियों ने सारी रात प्रार्थना की और मध्य रात्रि में परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने आके उसे बचा लिया था। वह पत्रस था और हम यहाँ राजेश की बात कर रहे हैं गुरुजी। चलो उस जीवित परमेश्वर को, पत्रस के उस जीवित परमेश्वर के ऊपर हम राजेश को सौंपते, चलो मिलके प्रार्थना करते, वही उसे बचाएंगे। ठीक गुरुजी, चलो सब मिलके प्रार्थना करते। ठीक गुरुजी। हे पिता परमेश्वर, हम तू तेरे हाथों पे राजेश को सौंपते परमेश्वर। परमेश्वर तू उसे शक्ति दे परमेश्वर, हिम्मत दे परमेश्वर। शैतानों के हर चालों को हम खंडित करते परमेश्वर, तेरे नाम से परमेश्वर। परमेश्वर मुझे यकीन है तू एक बड़ी गवाही बनाएगा परमेश्वर राजेश की जीवन से परमेश्वर। तेरी योजना परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर हम विश्वास से तेरे हाथों पे सौंपते परमेश्वर, और हमें यकीन है तेरे नाम से हम मांगते परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया। तो बेटा, तुमने अपना मन बना लिया? जी पिताजी। अच्छा है, तो तुम तैयार हो। पिताजी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता था जो मैंने कुछ समय से छुपा रखा था। राज की बात? ऐसा कौन सा राज है जो तुमने मुझे छुपा के रखा महेंद्र? ऐसा कौन सा राज है मुझे बताओ जरा उसके बारे में, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। पिताजी, आपको याद है कि 6 महीने पहले मैंने आपको फोन किया था और कहा था कि मैं गांव वापस आना चाहता हूं और मेरी नौकरी भी जा सकती है, इस कारण से मैं वापस आपके साथ गांव में लौट कर आना चाह रहा था। हाँ, तुम कुछ ऐसी बात कर तो रहे थे, लेकिन उसके बाद फोन कट गया, तुमने बहुत देर तक फोन नहीं किया, और कुछ दिनों बाद जब तुमने फोन किया भी तो तुम काफी बेहतर अपनी आवाज में सुनाई दे रहे थे और मुझे मुझे लगा कि तुम खुश हो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पिताजी, कैसे बताऊं, मैं इस चीज़ आपको बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि इससे आपको ठेस पहुंच जाती,
पर आज से 6 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं केवल 3 से 6 महीने का मेहमान हूं, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया था और मैं मर रहा था। और इस कारण से मैंने सोचा कि मैं अपने आखिरी दिन गांव में आपके साथ बिताऊं, ये मेरी इच्छा थी। क्या कह रहे हो तुम? इतनी सारी बातें तुमने अपने अंदर संभाल के रखी, छिपा के रखी, तो तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया जब तुमको पता चला कि तुम्हें कैंसर है? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे मालूम था कि आप ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएंगे और आपके दिल में बहुत दर्द होगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इस कारण से मैं अपने तक ही सीमित रखना चाह रहा था। कविता भी टूट चुकी थी और पुष्पा का भी कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। फिर मेरे से हमने एक ही बात थी कि मैं वापस घर आऊं और अपने अंतिम दिन आपके साथ बिताऊं, यही मैंने सोचा था। तो तुम इलाज के लिए उसी समय अस्पताल क्यों नहीं गए? पिताजी, अस्पताल तो मैं गया, पर डॉक्टर ने कहा है कि कीमोथेरेपी करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि अब जो दिन बचे हैं मैं गांव आऊंगा और अपने आखिरी दिन आपके साथ बिताऊंगा। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी खबर आप सुनकर परेशान हो जाएं। मैं जानता था कि हमारे रिवाज के अनुसार बेटा जो है अपने पिता के अंतिम संस्कार करता है, मगर अब यहां उल्टा हो रहा था। मैं मर रहा था और आप मेरी अंतिम संस्कार करते, ये आप कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए मैं ये बात आपको नहीं बताना चाह रहा था। ऊपर से ढेर सारी परेशानियां और हम बहुत टूटे थे, हम बहुत दुखी थे, मैंने बहुत आंसू बहाए इन दिनों में पिताजी। मेरे बेटे, तो क्या तुम अपने आखिरी दिन इस घर में बिताने के लिए आना चाह रहे थे और फिर तुम आए भी नहीं, और ना ही तुमने ये बात अपने पिता को बताई? पर आज तुम कैसे इतने स्वस्थ और इतने अच्छे दिखाई दे रहे हो? पिताजी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उसके बाद एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ, बताओ मुझे। पिताजी, कंपनी ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था। उनको लगा कि अगर मैं काम करते करते मर गया तो उन्हें मुझे बड़ा मुआवजा देना पड़ेगा। अब मैं बीमार भी था, मर भी रहा था, नौकरी भी चली गई और कविता बिल्कुल हताश हो चुकी थी, और पुष्पा, आप जानते ही हैं, मिर्गी के दौरे से वो परेशान थी। और तुमने मुझे एक भी परेशानी नहीं बताई? हाँ पिताजी, मैं जानता था बहुत दुखी हो जाएंगे, इसलिए ये बातें मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैंने खुद बहुत आंसू बहाए और मेरे साथ कोई मार्ग नहीं था, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं बहुत दुखी था, मैं नहीं चाहता था कि आप भी मेरे से ऐसे दुखी हो जाएं। और उस समय मेरे जीवन में कोई आया। अच्छा, कौन था वो और उसने क्या किया तुम्हारे जीवन में? मेरे ऑफिस का एक दोस्त प्रताप, वो एक दिन घर आया ये सब समस्याएं जानकर कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, मुझसे मिलने आया। और जब वो घर पर था उसी समय मेरी बेटी पुष्पा को फिर से दौरा पड़ा उसके सामने, और उसने उसके लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गई, और उसके बाद उसने मेरे लिए भी प्रार्थना की। और फिर मैं अस्पताल गया अपने रिपोर्ट को लेने और मैं बिल्कुल हैरान हो गया। राजेश, तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे? ये तुम्हारी अभी की रिपोर्ट। डॉक्टर, नई रिपोर्ट में क्या लिखा है? तुम्हारी रिपोर्ट एकदम सही है, तुम्हारे अंदर कैंसर का कोई भी लक्षण नहीं है। ये कैसे हो सकता है, आज तक ऐसे नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। कैसे? ये सबसे बड़ा डॉक्टर है जो सारी बीमारी को चला कर सकता है, और उसने मुझे ठीक कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ डॉक्टर, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। वो डॉक्टर कौन था जिसने तुम्हें ठीक कर दिया? पिताजी, उनका नाम यीशु मसीह है, और उन्होंने मुझे मेरे कैंसर की बीमारी से पूर्णतः निरोग कर दिया। यीशु मसीह? और मुझे सभी चीजें वापस लौटाकर दे दी, यहाँ तक कि मेरी बेटी जो मिर्ची की बीमारी से परेशान थी, यीशु ने उसको बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। उसके बाद उसको 6 महीने हो गए, कभी भी मिर्ची नहीं हुई। उन्होंने मेरे जीवन को बिल्कुल संवार दिया, एक नए अनुभव को मेरे जीवन में दे दिया। उन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिए और उन्होंने मुझे शांति दे दी, मुझे आनंद दे दिया, मुझे बड़ी खुशी दे दी, और मैं बहुत आनंदित हूँ परिवार समेत, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ लौटा कर दे दिया पिताजी। क्या तुम्हारे परमेश्वर ने ये सभी चीजें की हैं तुम्हारे लिए? हाँ जी पिताजी, वो प्रभु हैं और वो प्रभुओं के प्रभु हैं, और जो उन पर विश्वास करते हैं वो उनको आनंद और आशीष का जीवन दे देते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उन पर विश्वास करें। मैं इस गांव का मुख्य पुरोहित हूँ और मैं अपनी परंपरा को, अपने रिवाजों को नहीं छोड़ सकता। पिताजी, आपकी दैविक शक्तियां आपके काम आई? आपकी दूसरी पत्नी, मेरी सौतेली माँ, पागलपन के दौरे से सड़कों पर, बाजारों में भागती है, पहाड़ों और टीलों पर जाकर बैठती है, और आपने अपनी शक्तियों के द्वारा उनको बचा नहीं पाए। आपके 8 बच्चे थे, उनमें से 6 मर गए, आप उनको बचा नहीं पाए, और केवल मैं और मेरी छोटी बहन, और वो भी परेशानियों से घिरी हुई है। और आपने मुझे बताया था कि आप बार बार आवाज सुनते हैं जो आपको आत्महत्या करने की प्रेरणा देते हैं, और आपने 5 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी पिताजी। क्या आप इसको याद कर रहे हैं? क्या आप एक सुखी व्यक्ति हैं? क्या आप खुश हैं जो आप कर रहे हैं उसमें? क्या आपको वापस क्या मिला है? बस, तुमने अपना चुनाव कर लिया है, बस ठीक है। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रभु यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण कीजिए। वो आपके जीवन को पूरी तरीके बदल देंगे, आपके अंदर आत्मिक आनंद, खुशी प्रवेश कर जाएंगी। आपको मालूम है यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए अपनी जान क्रूस पर बलिदान चढ़ाया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हमारी बीमारियों से हम चंगे हो जाएं, हमारे श्राप टूट जाएं। सब कुछ यीशु ने कर दिया। अगर हम उनको विश्वास करेंगे तो हम उस शांति को प्राप्त कर पाएंगे। पिताजी, आप भी यीशु मसीह को स्वागत कीजिए। देखिए आपका जीवन, बस मैं कहता हूँ बस। महेंद्र, इसे अपने साथ लेकर जाओ पिताजी, मेरी और जाके इसे बंदीगृह में डाल दो। लेकर जाओ, तो सुनिए पिताजी, पिताजी जाओ, उसने मेरा सामना उन सभी बातों से करवा दिया जिनका मैं उत्तर भी ना दे सका। जो भी मैं करता आया हूं वह उसके खिलाफ हमेशा डटा रहा। बस 6 महीने में उसके यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया, कैंसर ठीक किया, मेरी पोती को मिर्गी से छुटकारा दिया। उसके पास मन की और आत्मा की शांति है जो कि उसके पास कभी नहीं थी। उन परंपराओं की जिनकी मैं सेवा आजीवन करता आया हूं, उन्होंने मेरे लिए क्या किया है? मेरा जीवन दुखों से भरा है। 5 बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की,
यीशु में कुछ तो है जिसने मेरे बेटे को बिल्कुल अलग बना दिया है। उसकी आंखों में चमक है। क्या वे यीशु मसीह है? कौन है वहां? मैं हूं बाबा जी। अच्छा, जाके काम करो, जाके राजेश को लेकर आओ। जी। पिताजी आपको बुला रहे मैंने अपना जीवन व्यर्थ बातों में गंवा दिया। मैंने उन सब रिवाजों को पूरा किया जो मेरे पूर्वजों ने मुझे दिए, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो राजेश के पास जो शांति और सुकून, एक हियाव जो उसके अंदर दिखता है, वो मेरे अंदर कभी नहीं आया। मुझे भी वो शांति, वो दृढ़ता चाहिए जो उसके पास है। मैं भी इस यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आखिर है क्या। मैं भी अपना शेष जीवन यीशु को दे दूंगा अगर वो मेरे मुझे ऐसा आश्वासन दे कि वो कुछ कर सकता है। पिताजी, आपने मुझे बुलवाया। हाँ राजेश, आओ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी पिताजी। महेंद्र तुम जा सकते हो। जी पिताजी। राजेश बेटा, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमको कुछ कहानियां सुनाई थी। जी पिताजी, बचपन से ही आपने बहुत सारी कहानियां बताई है हमें। मैं उन कहानियों की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने तुम्हें यह बताया था कि हमारे परिवार में कुछ लोगों का अंतिम समय कैसे बीता था। तुम्हारे दादा जो कि मेरे पिताजी थे, उनका अंतिम समय बहुत अच्छा नहीं था। जी पिताजी, आपने बताया था कि कैसे आपके दादा और मेरे परदादा कैसे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और उनके अंत अच्छा नहीं था। एक तो अंधे होकर मरे थे और दूसरे के उनके ही एक एक मरीज था जो कि पागल था, उसने उनका कत्ल कर दिया था। जी पिताजी, आपने मुझे बताया था, मुझे याद है, दोनों ही आप ही की परंपरा का अनुसरण करते थे। और पिताजी, मेरी यही प्रार्थना है कि आपका अंत अच्छा हो, आप सुकून से अपने अंत में जा सकें, ये मेरी प्रार्थना है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी जैसी मृत्यु मुझे मिले। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में उस छुटकारे को प्राप्त करूं जो कि मुझे दिखता है कि तुमने पा लिया है। तो मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। जी पिताजी, मुझे लग रहा है कि ये आपके जीवन का सबसे उत्तम निर्णय होगा, सबसे बढ़िया निर्णय होगा। तो मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पिताजी, कुछ बड़ा काम नहीं करना है आपको, सिर्फ हृदय में यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने आप को उनके लिए सौंप देना है, और एक छोटी सी प्रार्थना उनको स्वागत करते हुए, और बाकी सब काम वो ही कर लेंगे आपके लिए। क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहेंगे?
ठीक है। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ आज पिताजी, बड़ा आनंद हो रहा है आज। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप मेरे पीछे दोहराना। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति दीजिए, और मुझे आशीष दीजिए, और मुझे आशीष। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो अभी घूमने जा रही हूँ। ओ क्या है? अरे कोई भूख लगी, खाना दे दो। ऐसे देखो मत, चलो जाओ यहाँ से, सब सब निकलो, मत देखो मुझे, तुम सब पागल हो, पागल। बच्चे कहाँ चले गए? मुझे भूख लगी, खाना दो। देखो ये है तुम्हारी माँ, पिछले 3 साल से ये इस हाल में है, ना कुछ खाने का पता, ना घर का पता, पता नहीं अपनी कुछ भी बोलती रहती है। हमने बहुत कुछ किया, बहुत सी पूजा, बहुत सा तंत्र मंत्र, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों ना हम अपने इस परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करें और ये भी आज़ाद हो जाए। पिताजी मैं विश्वास करता हूँ, अगर उसने मुझे ठीक किया और यीशु ने आपको इस सत्य का ज्ञान दिलाया, निश्चय हमारी प्रार्थना माँ को ठीक कर देगी, मैं विश्वास करता हूँ। आइए सब मिलके प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो इस दिन के लिए परमेश्वर, परमेश्वर तेरे बेटी को मैं तेरे हाथों पे सौंपता हूँ परमेश्वर, परमेश्वर तेरे नाम से इस आत्मा को, इस शैतानी आत्मा को इस शरीर से मैं निकालता हूँ, इस पागलपन के आत्मा को निकालता हूँ। अभी परमेश्वर चंगाई आ रही है इस शरीर में, परमेश्वर तेरे नाम से मैं इसको निकालता हूँ, ये शरीर छोड़ दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया परमेश्वर, यीशु के नाम से। खुल मा, मा। आंखें खोलो माँ, प्रभु आपको ठीक कर रहा है, आप ठीक हो गए हैं। माँ राजेश, माँ राजेश, माँ राजेश, पिताजी मुझे क्या हुआ था? मुझे क्या हुआ? हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद हो, आप बिल्कुल ठीक हो, अब तुम ठीक हो। धन्यवाद, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का, प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक हो गए। चलो घर चलो, आप चलो, हम घर चल के सब बताते हैं। का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सच में प्रभु का धन्यवाद करना कितना अच्छा है। आज सच में परमेश्वर क्या कर सकता है वो मैं देख सकता हूँ।
आज मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरे साथ है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद है, और आज मैंने उस आनंद को पा लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने इस परिवार के ऊपर अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद। आइए धन्यवाद करते उस प्रभु का जिसने महान कार्य आपके जीवन में किया। राजेश आओ, गाना गा के स्तुति करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गुरु जी, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा एक मौका मेरे जीवन में दिया। मैं बहुत व्याकुल था। पिताजी, कैसे आप इस प्रेम में प्रभु के पास आएंगे? मैं सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत आनंदित हूँ पिताजी। हमारा परमेश्वर कितना महान है। मम्मी जी, हमारा परमेश्वर कितना महान है। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं हमारे पीछे। बहुत बढ़िया गाना, परमेश्वर को धन्यवाद देने के। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। एक और बात फिर से। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे यीशु। मेरा जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पण। महिमा तुझको, आदर तुझको, प्रशंसा तुझको मेरे यीशु। मेरा जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पण। Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah. Hosanna, Hosanna, hallelujah.
झुकता मेरा सर सदा। प्रशंसा तुझको मेरे यीशु, मेरा जीवन तुझको, मेरा तन मन तुझको, दिल की धड़कन तुझको समर्पित।